हेलो एंड वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और मजेदार लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है राजगीरे के आटे के लड्डू या रामदाने के आटे के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। आप इनको बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको मीठा खाने का दिल करे तब भी आप इनको खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो आइए इस आसान और मजेदार लड्डू को बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा राजगीरे का आटा या रामदाने का आटा, और इसको इंग्लिश में अमरैंथ फ्लावर कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया सूखा हुआ नारियल जिसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है, गुड़ लिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ते, इन सारी चीजों को भी मैंने बारीक काट कर ले लिया है, हरी इलायची का पाउडर लिया है और खाने वाला गोंद लिया है, इसको गोंद कतीरा भी कहा जाता है, और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, देसी घी लिया है और किशमिश ली। तो सबसे पहले हम नारियल को भूनेंगे। तो स्टोव को मैंने मीडियम हीट पर ऑन कर लिया और एक पॉट में मैंने डाला है नारियल। अब इसको हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। नारियल को भूनकर जब हम लड्डुओं में डालते हैं तो लड्डुओं का टेस्ट भी अच्छा आता है और लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो देखिए नारियल मैंने भून लिया, अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी और पॉट को हल्का सा क्लीन करके मैंने फिर से स्टोव पर चढ़ा दिया। और अब हम इसमें अपने नट्स को फ्राई करेंगे। तो मैंने सारे जो बारीक कटे हुए नट्स हैं, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ते, ये सब इसमें डाल दिए और मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टीस्पून घी और इसको लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। नट्स को फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें इस टाइम डाल देंगे किशमिश और किशमिश को हम बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अब सारी चीजें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको उसी बोल में निकाल लेंगे। अब पॉट में हम डालेंगे 3 टीस्पून के आसपास देसी घी। अब इसमें डालेंगे गोंद और मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए हम गोंद को फ्राई करेंगे। इसको आपको तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से फूल ले जाती, और मीडियम हीट पर ही फ्राई करिएगा तो गोंद अच्छे से फूलेगी। अगर आप हाई हीट पर इसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से गोंद फूलेगी नहीं, कुछ गोंद जो है वो हार्ड रह जाएंगे फिर। तो देखिए गोंद जो है वो फूल चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसको मैं हाथ से हल्का सा क्रश कर लूंगी। बहुत ज्यादा आपको नहीं इसको क्रश करना है। जब गोंद के हल्के से पीसेस लड्डू खाते वक्त मुंह में आते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, तो इसको आपको हल्का सा बस क्रश करना है। इसको हमने क्रश कर लिया, अब हम इसको साइड में रखेंगे और उसी पॉट में डाल देंगे 5 से 6 टीस्पून देसी घी। और अब हम इसमें डाल देंगे राजगीरे का आटा और इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम हीट पर भूनेंगे 15 से 20 मिनट तक, या जब तक जो आटा है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और मीडियम हीट पर ही आपको इसको भूनना है और लगातार इसमें चमचा चलाना है। तो देखिए अभी मुझे आटा जो है वो थोड़ा सा सूखा लग रहा है, ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। तो मैंने 2 से 3 टीस्पून घी इसमें और डाल दिया है और अब इसको मैं भूनूंगी। तो देखिए 15 से 20 मिनट मुझे इसको भूनते हुए हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आटे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो बस आटा हमारा भून चुका है, अब स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसको हम उसी बोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने सारे नट्स फ्राई करके निकाले थे। तो आटा मैंने बोल में निकाल लिया, अब इस बोल में हम डाल देंगे गोंद जो हमने अभी क्रश करके रखी थी, इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीजें मैंने अच्छे से मिला ली, अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को आपको बिल्कुल बारीक काटना है ताकि गुड़ के जो बड़े टुकड़े हैं वो आपके मुंह में ना आए जब आप लड्डू को खाएं। आप गुड़ को अच्छे से इसमें मिलाएंगे, आप इसको यहाँ पर चख भी सकते हैं, अगर आपको इसमें मिठास कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल दीजिए। तो गुड़ मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम चेक करते हैं कि लड्डू इससे बन सकते हैं या नहीं। देखिए थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथ में लिया और इसको प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बंद नहीं रहा है, इसका मतलब लड्डू अभी इससे नहीं बन सकते हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना होगा, तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। तो घी को मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अगर आपको अभी भी लगे कि ये लड्डू से नहीं बन रहे हैं, ये मिक्सचर एक जगह नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं मिक्सचर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथ में लिया और इसको जोर से प्रेस किया है ताकि सारी चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाए, और फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको गोल शेप दे दिया है। और ये काम आपको जब ये मिक्सचर वार्म हो तभी करना है, ये मिक्सचर अगर ठंडा हो गया तो फिर आप लड्डू इससे नहीं बना पाएंगे। तो देखिए लड्डू मैंने बना लिया है,
अब इसको मैं एक प्लेट में रख लूंगी और इसी तरह से सारे लड्डू मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। तो सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लड्डू बने हैं और ये टेस्ट में लाजवाब है और हेल्दी भी है, तो इसलिए आप इसको बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। बच्चों को भी दें ये लड्डू, बच्चों को भी ये लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।